चंद्रयान 3 इतिहास रचने ही वाला है, और क्या हुआ जब चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 मिला। जी हाँ, आज की यही कहानी है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ सचिन। चंद्रयान 3 23 तारीख को लैंड होने वाला है शाम को 6:04 पर। अब तक की डी बूस्टिंग बेहद कामयाब रही है, एक एक कदम सतर्कतापूर्वक उठाया जा रहा है। चंद्रयान 2 जो कि सफल नहीं हो पाया था, एन मोमेंट में जिस वक्त उसकी लैंडिंग होनी थी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, इस कारण से वो लैंड जब हुआ तो वो सफल नहीं हो पाया था। इस कारण से चंद्रयान 3 बिल्कुल अंतिम वक्त पे जो है उसको एहतियात बरता जा रहा है। चंद्रयान 3 का आज चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है जो वहाँ पर चांद की सतह पर ही पड़ा हुआ है, चांद की सतह पर पड़े उस ऑर्बिटर से आज चंद्रयान 3 का जो कि चांद की कक्षा में ही है, चांद की सतह के बेहद करीब वहाँ पर चक्कर लगा रहा है, उसका संपर्क उस ऑर्बिटर से हुआ, यानी विक्रम लैंडर का संपर्क ऑर्बिटर से हुआ। और ऑर्बिटर से जब कम्युनिकेशन हुआ तो ऑर्बिटर ने कहा, हेलो वेलकम माय बडी, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो इसरो ने इसे स्पष्ट किया है कि ये टू वे कम्युनिकेशन था, दोनों तरफ से ये कम्युनिकेशन बना है। तो ये बेहद ही, यानी कि अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी वहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वो फोर्स लैंडिंग थोड़ी सी जो है फोर्स लैंडिंग ना होती, थोड़ी सी और उसमें तो है हमारी एहतियात होती, तो वो भी एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन खैर, क्योंकि लूना 25 क्रैश हुआ है, अब ये इकलौता भारतीय मून मिशन है जो इस वक्त विश्व में इस वक्त कहीं ना कहीं जो है इकलौता भारतीय मून मिशन है जो विश्व में इस वक्त है, तो पूरा विश्व इंतज़ार कर रहा है। चांद की एक ऐसी धरती, चांद की एक ऐसी धरा, चांद की एक ऐसी भूमि जहाँ पर अब तक कोई नहीं उतरा, यानी कि साउथ दक्षिणी ध्रुव चांद का, तो अपने आप में रहस्यों से समेटी है। उम्मीद ये करते हैं कि ये लैंडिंग इस बार बेहद कामयाब होगी। इसरो ने इसके लिए भरपूर तैयारी की है, पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। और चंद्रयान 2 ने जो सपना देखा था, जो ऑर्बिटर कह रहा है वेलकम माय बडी, चंद्रयान 3 पूरा करेगा।